नमस्कार सभी को। आज क्लास 10th मैथ्स वर्कशीट नंबर 7 बहुपद पॉलीनोमियल्स में दूसरा पार्ट है, कंटिन्यू है बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यांक और बहुपदों के शून्यांक और गुणांकों में संबंध क्या होगा, ये पिछली वर्कशीट में भी कुछ था, तो इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो द्विघात जो बहुपद होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी शून्यांक कितने होते हैं और उनका आपस में संबंध क्या होता है, ये पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम कहते हैं कि हमारे पास जो मानक बहुपद होता है वो हम किस तरह से लिखेंगे, तो ये स्टैंडर्ड बहुपद है, मानक बहुपद है, जिसको हम कहते हैं द्विघातीय मानक रूप। द्विघात मानक रूप में ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो एक्सिस का गुणांक है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यदि ये एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो हो गया तो ये फिर द्विघातीय बहुपद नहीं होगा, फिर ये एक घातीय बन जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि इसमें बहुपद में शून्यांक कितने होंगे, तो जितनी इसकी घात होती है उतने ही शून्यांक होते हैं, दो शून्यांक होते हैं। उन दोनों शून्यांकों को हम कई बार अलग किसी एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे अल्फा और बीटा, हम इस तरह के मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा जो है वो दो शून्यांक हैं। ये अल्फा बीटा जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट हैं, इनको हम अल्फा बीटा ले लेते हैं, समझ नहीं लेते हैं, यूज करने के लिए थोड़ा सा आसानी करने के लिए हमने मान लेते हैं। अब यहाँ पर शून्यांकों का योग और शून्यांकों का जो गुणनफल है हम उसको देखते हैं कि शून्यांकों का जो योग है वो क्या होगा। योग हम कहते हैं कि यहाँ यदि अल्फ़ा और बीटा ले लें तो अल्फ़ा और बीटा का योग क्या होगा, वो हम लेते हैं माइनस बी अपोन ए। अब माइनस बी अपोन ए क्या होगा देखेंगे, इसमें तुलना करेंगे कि ये बी क्या है, बी जो है वो एक्स का गुणांक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि माइनस एक्स का गुणांक। और नीचे हमारे पास क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे फिर शून्यांकों का गुणनफल। अब गुणनफल क्या होगा यदि हम देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। अब यहां होता है सी अपोन ए, बट सी क्या है, सी जो है वो अचर पद है, और नीचे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से हम ये कर लेते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास जो भी मानक रूप जो बहुपद दिया गया है उसमें ए बी सी क्या है। तो ए एक्स स्क्वायर गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है और सी अचर पद है। उससे हम देखते हैं कि यदि हमारे पास मूलों का योग, मूलों का गुणनफल क्या होगा। पिछली वर्कशीट में जो देखा था उसमें बहुपदों के शून्यांक का योग और गुणनफल ज्ञात किया था, क्या अब आप दिए गए बहुपद के शून्यांकों के योग व गुणनफल से बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, बहुपद बनाना है। तो बहुपद कैसे बनाएंगे, तो यहाँ हम देखेंगे कि दो तरीके हमारे पास होते हैं, कि यदि हम किसी संबंध से ए बी सी निकाल लें और यहाँ रख दें तो ये बहुपद बन जाएगा। एक दूसरा तरीका भी होता है जिसको हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। अभी हमें कहा गया है कि यदि ए बी सी निकाल लें तो हम यहाँ बहुपद को बना सकते हैं। तो यदि हमें दे दिया जाए कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग, यहाँ आपको लिखा गया है वर्कशीट में माइनस 3/4 और शून्यांकों का गुणनफल 1/4 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम उदाहरण ले लेते हैं कि यहाँ पर हमें दिया गया अल्फा प्लस बीटा माइनस 3/4 और अल्फा इंटू बीटा जो दिया गया वो है 1/4। तो यदि हम यहाँ से तुलना करें तो देखो यहाँ हर में हमारे पास बराबर हैं दोनों, तो हम इसको कह देंगे a बराबर 4। और यहाँ देखो कि ये ऊपर क्या है, ये c अपॉन a होता है, तो यदि हमने 4 a ले लिया तो c हो जाएगा 1। लेकिन b क्या होगा, देखो यहाँ पर यदि 4 है और यहाँ भी 4 है, दोनों का हर बराबर है, तो जो अंश होगा यहाँ a, ये c है और ये b होगा, तो b का जो मान होगा वो 3 होगा। अब यदि हमें कहा जाए कि बहुपद बनाओ तो a b c का मान यहाँ रख दो, तो यहाँ हम कहेंगे जो द्विघात बहुपद है
जो बनाना चाहते हो द्विघात बहुपद होगा ए चार एक्स स्क्वायर और यहाँ बी आपके पास तीन आया तो यहाँ रखेंगे प्लस तीन बी प्लस एक और इस तरह से आपका बहुपद तैयार हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास द्विघात बहुपद को कैसे बनाया हमने, पहले हमने ए बी सी को पता किया और वहाँ पर ए बी सी की जगह ये रख दिया। ऐसे यदि हमें दूसरा कहा जाए कि यदि ऐसे भी बहुपद के योग और गुणन दे जाते हैं जिसमें हमारे पास हर में कुछ ना दिया जाए, फिर ले लेते हैं एक एग्जांपल ये था दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें कहा अल्फा प्लस बीटा मतलब योग मूलों का योग हमें दे दिया गया चार और मूलों गुणनफल दे दिया सात, तो यहाँ योग चार है और गुणनफल सात है। तो देखो कि यहाँ इनके हर में कुछ भी नहीं है तो हम हर को बराबर कर दें, इस तरह से लिख सकते हैं एक एक, तो यहाँ क्या होगा ए का मान एक बी हो जाएगा हमारे पास माइनस चार। क्यों माइनस चार क्यों होगा, क्योंकि यहाँ माइनस होता है फॉर्मूले में, माइनस नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे फिर हम माइनस माइनस चार, जैसे यहाँ मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ माइनस माइनस चार बटे एक लिख दें और यहाँ अल्फा इंटू बीटा लिख देता हूँ, तो ये माइनस चार भी हो गया और सी क्या होगा सात हो जाएगा। तो यहाँ जो हमें बहुपद मिला वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस फोर भी और प्लस सात, ये हमारा दूसरा जो बहुपद बनना था वो बन जाएगा। हमने ए बी सी का मान निकाल लिया। अब फिर एक दिया गया कि हम किसी बहुपद को कैसे बनाएं यदि हमारे पास उनके जो बहुपदों के मूलों का शून्यांकों का योग और गुणनफल अलग दिया गया है। जैसे एक अलग उदाहरण लिया गया, तीसरा उदाहरण दिया गया हमें कि यदि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग मूल मतलब शून्यांक शून्यांकों का योग दो है और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हमें दिया गया है माइनस एक बटे तीन। तो देखो मूलों का योग जो होता है वो क्या है, हम यहाँ फिर तुलना करते हैं कि ये होता है माइनस बी अपोन ए, तो हम यहाँ तो प्लस में दे रखा है तो हम क्या करेंगे इसको बदल देंगे, रूप बदलेंगे, क्या बदलेंगे, यहाँ देखना है कि ये मूलों के गुणनफल में सी अपोन ए होता है तो नीचे क्या है तीन, तो ए हो जाएगा यहाँ पर तीन, तो यहाँ भी इसको तीन के हर का तीन बनाओ तो इसमें किससे गुना करेंगे, इसमें दो से गुना करेंगे, तीन से गुना और तीन से भाग भी करेंगे। लेकिन एक बात और देखनी है कि यहाँ ये प्लस में है और यहाँ होता है माइनस में, तो माइनस और माइनस इस तरह से इसको हम कर दें तो हमारे पास बी का मान ये आएगा, मतलब इसको क्या लिखेंगे हम माइनस माइनस छः बटे तीन। तो यहाँ फिर ए आ गया तीन, दोनों में तीन बराबर हो गया हर मूलों के योग में भी तीन आ गया हर में और मूलों के गुणनफल में भी तीन आ गया, तो यहाँ इनका जो भाग है ए है हर जो है वो तीन हो गया और बी क्या हो जाएगा, बी देखेंगे ये इसके ऊपर क्या संख्या है माइनस छः और सी क्या होगा माइनस तीन के ऊपर क्या है माइनस वन। तो इस तरह से हमारे पास ए बी सी का मान आ गया। फिर यदि हम बहुपद बनाएंगे तो क्या बनेगा, बहुपद हमारे पास जो मानक है वो ये होता है। अब यदि ए का मान हमने तीन निकाला, बी का मान माइनस छः निकाला और सी का मान हमारे पास माइनस एक था, इस तरह से हमारे पास बहुपद तैयार हो जाएगा। अभी क्वेश्चन दिए गए हमारे पास, कोशिश करें ट्राई करें प्रयास कीजिए कि क्या हम कैसे कर सकते हैं। तो हम इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन को लेंगे, उसमें लिखा है द्विघात बहुपद के दो शून्यांक माइनस चार और माइनस छः हैं तो बहुपद के शून्यांकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए और बी क्या बी का क्या मान है वो भी बताना है। हमें दो शून्यांक दे दिए गए तो अब हम यहाँ लेते हैं इसको इस तरह से, हमें दे दिया गया माना पहला शून्यांक जिसको हम माना अल्फा माइनस चार है और बीटा माइनस छः है। हमने अल्फा बीटा क्या लिए थे आपको समझाने के लिए, हमने अल्फा बीटा दो शून्यांक अलग अलग ले लिए, हम इसको एक्स वन एक्स टू भी लिख सकते हैं क्योंकि एक्स के दो मान होंगे तो दो बहुपद हमने ले लिए सॉरी दो चर ले लिए। अब दो चर में जो हमारे पास एक एक्स का मान माइनस चार है और दूसरे एक्स का मान माइनस छः है तो मूलों का योग क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस चार और माइनस छः मतलब माइनस दस हो गया और मूलों का गुणनफल क्या होगा वो माइनस चार और
माइनस 6 को गुना कर दो तो ये प्लस 24 हो जाएगा। अब उसने कहा बी क्या है, फिर उसने पूछा बी क्या होगा, तो बी क्या होता है, यहाँ से देखेंगे बी कहाँ से मिलता है, अल्फा प्लस बीटा, मूलों के शून्यांकों के योग में माइनस बी अपोने होता है, लेकिन यहाँ तो नीचे कुछ है ही नहीं, यहाँ तो दोनों में ही कुछ नहीं है, मतलब एक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे माइनस 10 बटे 1 और इसको लिखेंगे 24 बटे 1। तो यहाँ हम उसने ए बी पूछा है, तो ए को यदि मैं लिख दूँ तो ए तो दोनों में एक है, बी भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि बी उसने पूछा है, तो यहाँ होता है माइनस बी अपोने, तो ए तो हमने लिख दिया, माइनस को भूल जाओ, माइनस वहाँ भी है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 10 और सी जो है वो आपके पास हो जाएगा 24। यदि आपको ए बी सी में कुछ भी पूछना हो वो बता दो, तो उसने बी पूछा है तो हमारा आंसर होगा बी बराबर 10। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, बहुपद 6x² + 11x - +5 के शून्यांकों का योग ज्ञात कीजिए। एक बहुपद दे दिया और पूछा है कि हमें उनका शून्यांकों का योग और शून्यांकों का योग पता कीजिए। तो योग क्या होता है, यदि हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, तो हम दूसरे क्वेश्चन को लिखते हैं 6x² + 11x + 5। अब मूलों का योग शून्यांकों का योग जो होगा हमने उसको लिखा था अल्फा प्लस बीटा और वो क्या होता है माइनस बी अपोने। तो यहां से हम ए बी सी देखें तो ए क्या हुआ, ए 6 हुआ, बी 11 हो गया और सी 5 हो गया। तो यहां यदि हम बी का मान रख दें तो क्या होगा, मूलों का योग क्या होगा, यहाँ -11/6 मूलों का योग हो गया। तो ये आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसे यदि हम अगले पार्ट्स को करेंगे, हमारे पास तीसरा जो क्वेश्चन है उसको भी ले लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ कुछ ऐसे पार्ट्स करने होंगे। तीसरा भाग क्वेश्चन है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग 10 और गुणनफल -39 है। तो यहाँ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि अल्फा प्लस बीटा 10 है और अल्फा गुना बीटा मूलों का गुणनफल वो हमें दिया गया -39। तो उसने कहा ऐसे बहुपद पता करो, तो यहां ए बी सी निकाल लेते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग -10 और -39 है। तो यहां हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग होता है माइनस बी अपोने, तो इसको हम बी अपोने में बदल दें तो क्या लिखेंगे --10/1 और यहां इसको बदल दें तो क्या होगा, ये -39/1। तो ए क्या हुआ 1, बी क्या हुआ -10, सी क्या हुआ -39। तो द्विघात बहुपद क्या हुआ, द्विघात बहुपद होगा जो हम पहले लिखते थे मानक x² + bx + c में ए बी सी के मान रख दो, तो ए क्या है 1 तो x² हो जाएगा, बी क्या है -10 और सी क्या है -39। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया कि ये बहुपद है हमारे। अब हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन बचा है उस पर हम चलते हैं। उसने कहा किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग 15/4 और शून्यांकों का गुणनफल 3 है, द्विघात बहुपद ज्ञात करो। अब यहां हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, तो मैं इधर लिख देता हूं, यहां पर कहा गया है बहुपद के शून्यांकों का योग क्वेश्चन नंबर 4 है, शून्यांकों का योग मतलब क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा, वो हमें दे रखा है
15 बटे 4 और शून्य अंकों का गुणनफल भी दे रखा है। जिसको आप अल्फा इंटू बीटा लिख देते हो तो ये दे रखा है हमें 3। अब ये देखो कि हमारे पास जो मोलों का योग था वो माइनस बी अपॉन ए होता है, तो इसको उस रूप में बदल लें, माइनस माइनस 15 बटे में 4। तो यहाँ हमें ए 4 और बी माइनस 15 हो जाएगा, लेकिन अभी सी नहीं मिला और सी तब मिलेगा जब हम इसको सी अपॉन ए के रूप में बदलेंगे। तो सी अपॉन ए के रूप में बदलें तो ए तो यहाँ 4 हमने निकाला, तो इसको 4 से हम भाग कर दें, तो 4 से गुना भी तो करेंगे तो ये आ जाएगा 12/4, तो सी का मान आएगा 12। अब हमें कहा गया कि बहुपद ज्ञात करो, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा ax2 + bx + c के रूप में, जिसको आप क्या लिखेंगे, a का मान क्या निकाला हमने 4, b का मान क्या निकाला है -15 और c का मान है 12। इस तरह से हमारे पास ये वर्कशीट के जो चारों क्वेश्चन थे वो हो जाते हैं। इस तरह से आप अपनी वर्कशीट को पूरा कर सकते हैं।